डियागो गार्शिया, अमेरिका का सबसे गुप्त मिलिट्री बेस, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? नमस्ते दोस्तों, सोच के देखो में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे गुप्त मिलिट्री बेस में से एक का पता लगाने जा रहे हैं। डियागो गार्शिया स्थित है इंडियन ओशन में और यह द्वीप घर है अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मिलिट्री बेस का। यह मिलिट्री बेस दशकों से रहस्य और विवादों में डूबा हुआ है, तो चलिए पर्दा उठाते हैं, कुछ अनसुने और कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स इस अमेरिकन मिलिट्री बेस का, और जानते हैं कारण क्यों डियागो गार्शिया अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस होने के बावजूद इतने विवादों में गिरा हुआ है। डियागो गार्शिया के रहस्यों को समझने के लिए मैंने इस एक्सप्लेनेशन को 9 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। नंबर एक, लोकेशन। डियागो गार्शिया ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है और यह चागोस द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, जो भारत से लगभग 1000 मील दक्षिण, अफ्रीका से 2000 मील पूर्व और ऑस्ट्रेलिया से 2500 मील पश्चिम में है। द्वीप का रिमोट लोकेशन इसे अमेरिका सेना के लिए कई क्षेत्रों में निगरानी तथा खुफिया जानकारी एकत्र करने और संचालन करने के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाता है। नंबर दो, हिस्ट्री और कंट्रोवर्सी। डियागो गार्शिया का एक जटिल और विवादास्पद इतिहास है। यह द्वीप मूल रूप से चगोसियन लोगों का घर था, पर वह 1814 में यूके का कॉलोनी बना नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। उसे मॉरिशियस से एडमिनिस्टर किया जाता था क्योंकि वह मॉरिशियस का पार्ट था, पर जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब अमेरिका ढूंढने लगा एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस रशिया के खिलाफ। तब उसका ध्यान गया डियागो गार्शिया आइलैंड्स पर और तब ब्रिटिश सरकार ने इसे लीज पर दिया अमेरिका को 1966 में। लीज पर देने से पहले इस आइलैंड को डिटैच किया गया मॉरिशियस से और चागोसियन लोगों को द्वीप से जबरन हटा दिया गया था। चागोसियन तब से द्वीप पर लौटने के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और यह मुद्दा आज तक एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह पर अपना कब्जा समाप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन ब्रिटेन ने अभी तक प्रस्ताव का पालन नहीं किया है। अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में और जानना है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगी। बुक का नाम है आइलैंड ऑफ शेम, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द यूएस मिलिट्री बेस ऑन डियागो गार्शिया। इस बुक को डेविड वाइन ने लिखा है। दूसरा विवाद है टाइम्स पत्रिका में 2008 में एक खुलासे का। इसमें दावा किया गया है कि 2002 से 2006 तक द्वीप पर एक गुप्त जेल मौजूद थी। यह जेल अमेरिका का वॉरन टेरर का प्रिजन था। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने इस तरह के उद्देश्यों के लिए कभी भी द्वीप का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कई उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है कि अमेरिका के वॉरन टेरर के कैदियों को द्वीप पर रखा गया और पूछताछ की गई। यह आरोप लगाया गया है कि जेल को एक ब्लैक साइट के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी एक गुप्त जेल जहां बंदियों को बिना किसी कानूनी सहारे के रखा जाता है और उनसे पूछताछ और टॉर्चर किया जाता है। नंबर तीन, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। डियागो गार्शिया पर अमेरिकी सैन्य अड्डा घर है बहुत सारे फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें शामिल है एक डीप वाटर पोर्ट, एक एयरफील्ड जो सक्षम है हेवी बॉम्बर्स को सपोर्ट करने के लिए, और एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन। बेस 3000 मिलिट्री पर्सनल और सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को एकोमोडेट कर सकता है और यह अत्याधुनिक टेक्निक और हथियार प्रणालियों से लैस है। नंबर चार, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। डियागो गार्शिया अमेरिकी सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कई क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब और लॉन्च पैड के रूप में किया जाता है। यह बेस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ड्रोन हमले और आतंकवादी विरोधी अभियानों सहित निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस द्वीप में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है, जिसमें B-52 बॉम्बर्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस कंट्रोवर्सी की तरफ जो काफी मशहूर है। नंबर पांच, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का गायब होना।
मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 370 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय लापता हो गई थी। विमान के रेडार स्क्रीन से गायब होने से पहले चालक दल ने किसी भी समस्या की सूचना नहीं दी थी। विमान के लापता होने के बाद व्यापक खोज अभियान चलाए गए, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। MH370 के गायब होने के आसपास की जानकारी की कमी ने कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया। सबसे लोकप्रिय कंट्रोवर्सी है कि CIA ने इस प्लेन को मजबूरन डियागो गार्शिया में उतरवाया, क्योंकि उस प्लेन में एक पैसेंजर या एक वस्तु था जो उन्हें चाहिए था। इस थियरी को तब बल मिला जब सोशल मीडिया पर आई उन खबरों में दावा किया गया है कि यात्रियों के रिश्तेदार विमान के गायब होने के बाद भी अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन पर कॉल सिग्नल सुन पाए। इसके अतिरिक्त कुछ यात्री गायब होने के कुछ दिनों बाद चीनी QQ मैसेजिंग ऐप पर ऑनलाइन दिखाई दिए। इन रिपोर्टों ने अटकलों को हवा दी कि विमान डियागो गार्शिया पर उतार दिया गया होगा। एक और आरोप जिसने इस थियरी को और मजबूत किया, अमेरिकी ब्लॉगर जिम स्टोन द्वारा किया गया था। उन्होंने दावा किया कि विमान के यात्रियों में से एक फिलिप वुड नाम का एक इंजीनियर एक सेल फोन से एक टेक्स्ट मैसेज और एक फोटो भेजने में सक्षम था, जिसमें उसने मदद मांगी थी। स्टोन का दावा है कि वुड ने कहा कि उन्हें अमेरिकी सेना द्वारा कैद किया गया था और उसने अपनी लोकेशन की GPS कोऑर्डिनेट्स भेजे थे, जो डियागो गार्शिया के बहुत करीब था। और एक कॉन्स्पिरेसी थियरी यह है कि MH370 को डियागो गार्शिया पर अमेरिकी सेना द्वारा एरोस्पेस घुसपैठ के लिए एक मिसाइल द्वारा मार गिराया जा सकता है और बाद में एक कवर अप किया गया हो सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि विमान डियागो गार्शिया पर उतरा होगा, पर लापता होने के बाद के वर्षों में विमान के मलबे के एक दर्जन से अधिक टुकड़े हिंद महासागर में विभिन्न देशों के तटों पर पाए गए थे। क्या लगता है आपको, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज सच हो सकते हैं? नंबर 6, ट्रांजिट पॉइंट। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक लॉजिस्टिक्स हब एंड लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका के अलावा डियागो गार्शिया अमेरिकी और मिडल ईस्ट और एशिया के बीच चलने वाले मिलिट्री पर्सनल एंड इक्विपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट भी है। हिंद महासागर में द्वीप का स्थान अमेरिकी सेना को मिडल ईस्ट और एशिया के भीड़ भाड़ वाले और अक्सर राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों के माध्यम से नेविगेट करने से बचने की अनुमति देता है। नंबर 7, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। डियागो गार्शिया पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ने एनवायरमेंटल कंसर्न्स, विशेष रूप से द्वीप के कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने सेना द्वारा सोनार और अन्य गतिविधियों के उपयोग की आलोचना की है जो मैराइन मैमल्स को नुकसान पहुंचा सकता है या परेशान कर सकता है, और द्वीप पर हजार्डस मटेरियल्स एंड वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। नंबर 8, डियागो गार्शिया एस ए पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। डियागो गार्शिया पर अमेरिकी सेना की उपस्थिति ने क्षेत्र में संघर्ष की संभावना के बारे में भी चिंताओं को बढ़ा दिया है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के उपलक्ष्य में। कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि प्रमुख शिपिंग लेन से निकटता और इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को देखते हुए अमेरिका और चीन के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति में डियागो गार्शिया एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। नंबर 9, डियागो गार्शिया और परमाणु हथियार। जबकि अमेरिका ने डियागो गार्शिया पर परमाणु हथियारों की उपस्थिति की कभी भी पुष्टि नहीं की है, ऐसे रिपोर्ट है जो बताती हैं कि द्वीप का उपयोग परमाणु हथियारों के लिए स्टोरेज साइट के रूप में किया जा सकता है। डियागो गार्शिया का लोकेशन इसे परमाणु हमले के लिए एक पोटेंशियल टारगेट बनाता है, जो द्वीप पर अमेरिकी सेना की उपस्थिति के पोटेंशियल रिस्क और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सवाल उठाता है। तो आज हमने बारीकी से एनालाइज किया अमेरिका का ब्लैक साइट डियागो गार्शिया को। इतना इम्पोर्टेंट मिलिट्री लोकेशन होने के बावजूद डियागो गार्शिया अपने इतिहास और चागोसियन लोगों की चल रहे संघर्षों के कारण विवादास्पद बना हुआ है। इसके अलावा द्वीप और मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 के गायब होने के बीच का संबंध ने इसकी पहले से ही जटिल कहानी में रहस्य और साजिश की एक और परत जोड़ दी है। आप डियागो गार्शिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।